अगर हमारे गृह मंत्री ने 370 हटाया नहीं होता तो इतने स्वाभिमान से ये जाकर अपना भारत जोड़ो का समापन वहां नहीं कर सकते सर। जिस कश्मीर में लाल चौक पे जाकर इन्होंने अपने भारत जोड़ो का समापन किया, उस क्षेत्र में जाके इतने स्वाभिमान से ये समापन कैसे कर सकते थे? अगर हमारे गृह मंत्री ने 370 हटाया नहीं होता तो इतने स्वाभिमान से ये जाकर अपना भारत जोड़ो का समापन वहां नहीं कर सकते सर। अगर इनके घोटाले अगर किसी ने निकाले तो अंक खत्म हो जाएंगे, पर इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे सर। ये चीज ऑपोजिशन ने याद रखनी चाहिए, जो काम करता है गलतियां उनसे ही होती हैं। आपने ना कभी काम किया, ना लोगों के लिए कभी प्रयत्न की, ना लोगों के लिए कभी जॉब्स अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी देश में उसके लिए काम नहीं किया। एक उंगली अगर ये जो आज सरकार में उनके ऊपर दिखाते हैं तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि चार उंगलियां इनके तरफ रहती है। कई लोग भारत जोड़े निकले थे, मुझे बताइए भारत के इस देश के लोगों ने कभी भारत को टूटने दिया? कभी टूटने नहीं दिया। जो जोड़ने निकले थे, ना कोई चीज टूटी नहीं तो उसे जोड़ने कैसे निकल सकते हैं, ये पहला प्रश्न उनको मेरा है सदन के माध्यम से। वो पाकिस्तान हमारे देश का नमक खाता था और आतंकवादी हल्ले हमारे देश पे करते थे, पर 2014 के बाद मोदी जी ने उनकी भाषा में उनसे बोलना सिखाया कि जिस भाषा में तुम सीखोगे उस भाषा में तुम्हें सिखाएंगे, उस तरीके से आज हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, ये कितने लोगों को रोजगार इनके माध्यम से इस देश के मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरीके की सोच रखने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। मोदी जी पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, उसके अलावा मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, कपड़ा रोटी और मकान और स्वास्थ्य और हेल्थ के ऊपर अगर किसी ने इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड पे जाकर लोगों से बात कर चर्चा कर वो एम्स को रिलेटेड हो या अपने आवास को रिलेटेड हो या किसान के निधि के लिए हो या किसान को कर्ज माफी के लिए हो या विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप से लेकर हो या विद्यार्थियों के साथ स्पोर्ट्स में हो, क्रीड़ा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र को अंडरलाइन करके इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने ये देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं, उन्होंने एक काम किया है जो जरूरतमंद है, जिन्हें आवाज नहीं उन्हें आवाज देने का काम किया है, किसानों को कर्ज माफी करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों को वर्षाना जो 6,000 रुपया दिया वो देकर उनको मदद करने का काम किया है, हेल्थ सेक्टर में और एम्स देकर, मेडिकल कॉलेजेस देकर, अब आने वाले समय में प्रेसिडेंटल स्पीच में जो नर्सिंग कॉलेजेस देकर आने वाले समय में सिस्टर ब्रदर्स को और उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए जो फैसिलिटी दी जा रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बनाई जा रही हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। सभी ऑपोजिशन वाले जब भी बोलते हैं तो यही चीजें टारगेट करते हैं कि मोदी जी को किस पॉइंट पे पकड़ना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है। सर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि डिजिटल आज देश में अगर कोई लाया है तो ठेले वालों से लेकर, भाजी वालों से लेकर, बड़े व्यापारियों से लेकर, प्राइवेट सेक्टर में लेकर डिजिटल अगर कोई नॉन लोगों में कराए, रूरल एरिया में भी लोड गाड़ियों पे ठेलों पर आज QR कार्ड करके स्कैन करके आप 50 रुपए 20 रुपए देना भी अगर किसी ने इस देश को सिखाया है तो वो मोदी जी ने ही सिखाया है। टैक्स ईमानदारी से अगर भरना है, अगर वो किसी ने सिखाया तो हमारे मोदी जी ने ही सिखाया है। सर हमारे महाराष्ट्र में 33 महीने की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, हमसे महाराष्ट्र में 33 महीने की सरकार में हनुमान जी का नाम लेना और राम जी का नाम लेना बहुत बड़ा गुना था, पर आज हमारे डिप्टी CM साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे साहब की सरकार में जो राम का नाम लेगा, जो हनुमान का नाम लेगा, वो देशभक्त होगा, उनका सत्कार हमारे महाराष्ट्र में होता है, आज वो सरकार है। सर प्रेसिडेंटल स्पीच में जेल का अनुभव है सर मुझे, 14 दिन का, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट ने मुझे जेल में डाला था, तभी जब गरीब लोग वहां पर जो कोई कारण से अरेस्ट हुए हैं या उनकी बेल हो चुकी है पर बेल बॉन्ड भरने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उसका भी प्रावधान या इस समय हमारे प्रेसिडेंटल स्पीच में उन्होंने बताया है, वो सच में जेल में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ में वो महिलाएं उस जेल में रहती हैं जिनके पास 5,000 बेल बॉन्ड भरने के लिए नहीं है या 10,000 रुपए बेल बॉन्ड भरने के लिए नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरीके की सोच रखने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। सर कई लोग भारत जोड़ो निकले थे, सर वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि हम देश के युवा एज ए रिप्रेजेंटेटिव है, ये बोलना बहुत जरूरी है। कई लोग भारत जोड़े निकले थे, मुझे बताइए भारत के इस देश के लोगों ने कभी भारत को टूटने दिया? कभी टूटने नहीं दिया। जो जोड़ने निकले थे ना, कोई चीज टूटी नहीं तो उसे जोड़ने कैसे निकल सकते हैं? ये पहला प्रश्न उनको मेरा है सदन के माध्यम से। मुझे आपको बोलना है सर, जिस कश्मीर में लाल चौक पे जाकर इन्होंने अपने भारत जोड़ो का समापन किया, उस क्षेत्र में जाके इतने स्वाभिमान से ये समापन कैसे कर सकते थे? अगर हमारे गृह मंत्री ने 370 इस सभागृह में लाया नहीं होता और 370 हटाया नहीं होता, तो इतने स्वाभिमान से ये जाकर अपना भारत जोड़ो का समापन वहां नहीं कर सकते। सर थैंक यू सर, बहुत जरूरी है सर 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 सर। मुझे ऑपोजिशन के कई लोग, मुझे बताइए देश के बड़े बिजनेसमैन व्यापारियों को, टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, ये कितने लोगों को रोजगार इनके माध्यम से इस देश के मिला है? मुझे ऑपोजिशन को एक प्रश्न पूछना है, ये एक उंगली अगर ये जो आज सरकार में उनके ऊपर दिखाते हैं, तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि चार उंगलियां इनके तरफ रहती हैं। अगर इनके घोटाले अगर किसी ने निकाले तो अंक खत्म हो जाएंगे, पर इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। सर ये चीज ऑपोजिशन ने याद रखनी चाहिए, जो काम करता है गलतियां उनसे ही होती हैं। आपने ना कभी काम किया, ना लोगों के लिए कभी प्रयत्न की, ना लोगों के लिए कभी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी देश में, उसके लिए काम नहीं किया। सर सर लास्ट टू मिनट सर, जस्ट एक मिनट में समाप्त कीजिए। सर 2014 के पहले सर राजस्थान आपको जिस तरीके से प्यारा है, हमें भी हमारे राजस्थान पे उसी तरीके से बहुत ज्यादा प्यार है। 2014 से पहले सर पाकिस्तान का परिस्थिति अगर देखते थे तो सरकार उन्हें मदद करती थी। वो पाकिस्तान हमारे देश का नमक खाता था और आतंकवादी हल्ले हमारे देश पे करते थे, पर 2014 के बाद मोदी जी ने उनकी भाषा में उनसे बोलना सिखाया कि जिस भाषा में तुम सीखोगे उस भाषा में तुम्हें सिखाएंगे। उस तरीके से आज हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रेसिडेंटल स्पीच के ऊपर सभी ने अपने अपने अलग राय, अपने अपनी विचार रखी है। मैं फुल हार्टेड हमारे आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी महिला जो प्रेसिडेंटल हैं, आज प्रेसिडेंट हैं, उनके स्पीच के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं दिल से मेरे आदिवासी भाई बहनों की तरफ से इस सदन का, मोदी जी का और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, राम राम।